जुमांजी मूवी स्टार्टिंग में दिखाते हैं कुछ दोस्त एक दूसरे को ग्रुप चैट में मैसेज करते हैं मिलने के लिए। तभी वह सब मैसेज स्पेंसर उनका दोस्त पढ़ रहा होता है, जहां पर उस मॉल का मालिक उसे डांटता है कि तुम काम करते भी मोबाइल क्यों चला रहे हो। वह कहता है कि मैं घर जाने के लिए टिकट बुक कर रहा हूँ। तो उसका मालिक कहता है कि तुमने शाम को जाना है ना, तो भी मोबाइल चला रहे हो, अपने काम पर ध्यान दो। और वह शाम होते ही अपने घर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसके बाकी दोस्त भी उससे मिलने आते हैं। स्पेंसर अपने नाना जी के घर जाता है और वहाँ जाकर वह देखता है कि उसके नाना जी बल्ब बदल रहे होते हैं। और वह नाना जी से कहता है कि मैं आपकी मदद करता हूँ। और नाना जी कहते हैं कि मैं कोई इतना बूढ़ा थोड़ी ना हो गया हूँ, मैं खुद अपनी मदद कर लूँगा, मैं तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। वह उसे कमरा दिखाते दिखाते गिर जाते हैं और वह कहते हैं कि अपनी माँ को मत बताना कि मैं गिर गया था। तभी रात हो जाती है। वह अपने दोस्तों को मैसेज करके अगले दिन सुबह 10 बजे मिलने का प्लान बनाते हैं। उधर स्पेंसर का नाना स्पेंसर से बात करते करते सो जाता है। स्पेंसर को नींद नहीं आती, वो स्टोर में जाकर टूटी हुई जुमांजी वाली गेम फिर से जोड़ देता है। अगली सुबह देखते हैं स्पेंसर के दोस्त रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, पर स्पेंसर नहीं पहुंचता। वो लोग स्पेंसर को कॉल लगाते हैं, पर स्पेंसर कॉल नहीं उठाता। वो लोग उसके घर चले जाते हैं, जहाँ पर उसके नाना का पुराना दोस्त मेलो उससे मिलने आता है। उसका नाना एडी कहता है सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। वो उससे गुस्सा होता है क्योंकि वो उसका रेस्टोरेंट छोड़कर चला गया था, वो उससे 15 साल बाद मिलने आया था। तभी वहाँ स्पेंसर के दोस्त आते हैं और उनको पता चलता है कि स्पेंसर जुमांजी गेम में चला गया है। वह भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और वहाँ जाकर उन सभी का करेक्टर उस गेम में चेंज हो जाता है। ये है मार्था, ये स्पेंसर के नाना जी एडी, ये एडी का दोस्त मेलो और ये फ्रिज। स्पेंसर के नाना जी और उनके दोस्त को लगता है कि वो मर गए। तभी स्पेंसर के दोस्त उन्हें बताते हैं कि वो लोग एक वीडियो गेम में हैं, जहां पर लोगों को स्पेंसर को ढूंढना है। वह भी इस गेम में आ गया है और वह लोग इस गेम में पहले भी आए थे। तभी मेलो पर आकर एक गैंडा हमला करने वाला होता है और मार्था उसे बचा लेती है। फ्रिज सबसे कहता है ये बहुत ही ज्यादा डेंजर गेम है, सब बच के रहना। तभी उसे एक एनाकोंडा आकर खा जाता है, उसकी एक लाइफ चली जाती है। इस गेम में सबको 3 लाइफ मिलती है, अगर कोई 3 बार मर गया तो वो परमानेंट मर जाएगा। तभी उन्हें एक प्लेन दिखता है और वो उसके पीछे भागते हैं। वहाँ उन्हें एक बंदा नाइजल मिलता है, वो उन सबको बताता है कि जुमांजी खतरे में है, उन सब ने मिलकर इस गेम को बचाना है। वो कहता है कि आपको इस गेम से बाहर निकलने के लिए एक हीरा चोरी करना होगा और उसे सूरज की रोशनी दिखानी है। वो हीरा ढूंढने के लिए उन्हें एक नक्शा दे देता है और उन्हें प्लेन से नीचे फेंक देता है। सभी आपस में मिलकर एक दूसरे की पावर और वीकनेस चेक करते हैं, क्योंकि उन्हें उस गेम में कुछ पावर और वीकनेस मिली होती है। गेम में उन्हें 3 लेवल पार करने होते हैं। पहला लेवल डोस होता है, जिसे वो एक मैप के द्वारा पार करना होता है। तभी वहाँ कुछ कुत्ते आ जाते हैं, जो कि उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। तभी आगे एक खाई आती है, एडी अपनी पावर से उस खाई को पार कर सबको बचा लेता है और सभी आगे की ओर निकल जाते हैं। आगे वो एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ मैप में दिखाए गए एक क्लू को ढूंढते ढूंढते स्मोक बार में चले जाते हैं, जहाँ वो एक चोर को एक चाबी चुराते हुए पकड़ा देते हैं। वो लोग उस चोर को मार देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो चोर तो स्पेंसर है, जिसे लोग वो ढूंढने आए थे। स्पेंसर की एक लाइफलाइन खत्म हो जाती है। वो सब स्पेंसर से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए। वो कहता है मैं कल रात को लो फील कर रहा था और मैंने फिर वो गेम जोड़ी और मैं यहाँ आ गया। सबको बाहर निकालने के बारे में बताता है कि इस हीरे की चाबी उनके पास है, पहले हमें वो चाबी चुरानी होगी, फिर हम वो हीरा मिलेगा। तभी वहाँ एक लड़की आती है, वो उन्हें बताती है कि वो यकीन शैतान उस हीरे को लेकर ब्रदर कार्विक के साथ डील करने गया है। अगर उसने डील कर ली तो जुमांजी खतरे में पड़ सकता है, तुम हम सबको बचा लो। वो लड़की उस गेम में उसके नाना जी की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। स्पेंसर कहता है हमें एक ऊंट की जरूरत है उनका पीछा करने के लिए। वो और चुराने निकल जाता है और मार्था उस लड़की का पीछा करने निकल जाती है, जो एडी के पास आई थी। तभी उसे पीछा करते हुए वो जाम फल मिल जाता है, जिसकी मदद से उस शैतान को मार सकते हैं
और वो एक क्लू भी मिल जाता है। तभी कुछ लोग सब पर हमला कर देते हैं जिससे उनकी एक और लाइफलाइन चली जाती है। वो लोग फिर उस ऊंट की मदद से यकीन शैतान के पीछे निकल जाते हैं। आगे कुछ दूर पहुंचकर ऊंट आगे जाने से मना कर देते हैं। फिर वो आगे पैदल चलकर जाते हैं और उन्हें आगे एक ब्रिज दिखता है जिन्हें उन्हें पार कर जाना होता है। तभी वह लोग ब्रिज पार कर रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे जंगली बंदर आ जाते हैं। तभी वह लोग बंदरों से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। बंदर उन्हें बुरी तरह से घेर लेते हैं। उसी वक्त पर वहाँ पर एलिस और बैथनी उन्हें बचाने आ जाते हैं। बैथनी को उस गेम में एक घोड़े का रूप मिलता है और वो एलिस की मदद से सभी जंगली बंदरों को भगा देती है। वहाँ अचानक ठंड बढ़ जाती है। एलिस उन सबके लिए कपड़े भी लाया होता है। वो लोग सब मिलकर उस नक्शे की मदद से उस हीरे के लिए निकल जाते हैं। तभी आगे एक नदी दिखाई देती है। वो लोग उस नदी में छलांग लगाते हैं जहाँ पर उनकी बॉडी चेंज हो जाती है। अब नाना का करैक्टर उस चोर में चला जाता है और उस चोर यानी स्पेंसर का करैक्टर नाना में, और एडी का दोस्त मेलो अब वो घोड़ा बन जाता है। ऐसे ही बाकी सबके करैक्टर भी बदल जाते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं कि नानू और मेलो को कुछ लोग उठाकर ले जाते हैं। वो लोग उन्हें बचाने जाते हैं। मेलो को एलिस दो बार बचाने की कोशिश करता है पर वो मारा जाता है और उसकी दो पावर खत्म हो जाती है। फिर वो तीसरी बार बचाने जाता है, वो बचा लेता है। दूसरी तरफ स्पेंसर अपने नानू को बचा लेता है और वो नानू और मार्था उस हीरो को चुराने निकल जाते हैं, जहाँ पर बेथनी और फ्रिज ब्रदर कार्बोरिक्स बनकर अंदर चले जाते हैं जिनकी पोर अंदर जाकर खुल जाती है। वो सभी उन शैतानों से लड़ रहे होते हैं। उधर वो शैतान स्पेंसर के पास वो जामनी फ्रूट देख भाग रहा होता है, पर स्पेंसर उस फ्रूट की मदद से उस यकीन शैतान को ख़त्म कर देता है और वो हीरा लेकर सूर्य की रोशनी को दिखा कर वो गेम जीत जाते हैं। पर एडी का दोस्त मेलो उस गेम में रहने की बात करता है। वो कहता है कि मैं अभी जीना चाहता हूँ। वो वहीं रुक जाता है और बाकी सब उस गेम से बाहर आ जाते हैं। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही मूवी की आपको एक्सप्रेशन हिंदी में मिलती रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।